नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जितेंद्र गुप्ता कोलंबर को। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सेफ्टी टैंक के बारे में। जो सेफ्टी टैंक हम लोग का होता है, उसमें आपका आउटलेट पाइप कैसे आप निकालिएगा, तो उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। जानकारी में है कि सेफ्टी टैंक आपका दो तरह का होता है। एक सेफ्टी टैंक हो गया कि जिसमें तीन खंड होता है, एक सेफ्टी टैंक हो गया जो सिंगल ही रहता है, उसमें खंड नहीं रहता है। तो आज हमको आपको बताएंगे दोनों के बारे में कि जो सेफ्टी टैंक तीन खंड का होता है उसका आउटलेट पाइप आप कैसे निकालिएगा, और जो एक खंड का होता है उसका आउटलेट पाइप कैसे निकालिएगा। आज दोनों का पानी निकालने का तरीका आपको बताएंगे कि दोनों में कैसे आप उसका आउटलेट पानी निकालिएगा, और सही तरीका क्या होना चाहिए उसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और जानकारी लें। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल में आप नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए आज आपको बताते हैं कि सेफ्टी टैंक से आउटलेट पाइप कैसे निकालें। चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। जैसे हमारा हो गया, ये आपका सेफ्टी टैंक हो गया। ये सेफ्टी टैंक हमारा सिंगल पीस है, इसमें बीच में घेराव वगैरह कहीं नहीं है, सिर्फ सिंगल पीस में है। इसका आउटलेट पाइप कैसे निकालिएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा ड्रेनेज पाइप यहाँ पे डाला हुआ है। ये आउटलेट पाइप हमारा सब लग चुका है। एक ही कनेक्शन आपका रहेगा जिसमें आपका बाथरूम का भी पानी आएगा और टॉयलेट वाला सेफ्टी टैंक का भी आउटलेट पानी आपका पास करेगा। तो एक हम यहाँ पे डोर बैंड लगाएंगे, जो कभी फ्यूचर में अगर कहीं जाम जुम होता है, कहीं दिक्कत कोई होती है, तो यहाँ से खोल के आप साफ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ लगाना ये ज़रूरी होता है डोर बैंड। दोस्तों, सोलवेंट बराबर लगाना है। सोलवेंट बराबर लगाने से आपका लीकेज नहीं होगा। दोस्तों, हमारा ये डोर बैंड यहाँ पे लग गया। इसमें अब एक आपको पाइप यहाँ लगेगा, जिसे हमारा पाइप होगा। तो इस पाइप को लगाना है दीवार से, आपको जो दीवार होता है सेफ्टी टैंक का, उसे आपको 2 इंची अंदर में रखना है। सेफ्टी टैंक के जो दीवार है उसमें सटा के पाइप नहीं लगाना है। और उसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे हम बैंड लगाएंगे, 4 इंची का बैंड जो होता है वो लगाएंगे। तो दोस्तों, एक जो होता है जो तीन खंड का हम लोग का जो बना रहता है सेफ्टी टैंक तीन खंड का, उसमें आप सीधा ऐसे पाइप लगाकर आप उसका आउटलेट पानी निकाल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि दो खंड में आपका लेटिंग रहता है और तीसरा खंड खाली रहता है, उसमें सिर्फ पानी आता है। तो उसमें आपको आउटलेट निकालने के लिए आप सीधा पाइप लगा सकते हैं। उसमें आपका सीधा कनेक्शन रहेगा, सीधा पाइप रहेगा। और जिसमें जो सिंगल पीस आपका रहता है, जो टंकी हमारा सिंगल है, उसमें आउटलेट वगैरह नहीं बनाया हुआ है, छलांग जो होता है चैम्बर नहीं अगर बनाया हुआ है, तो उसमें आपको आउटलेट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, तो उसमें पाइप 2 फीट हमको या 1 फीट लटकाना होता है। तो उसमें सिंगल वाले सेफ्टी टैंक में अगर पाइप अगर नहीं आप लटकाते हैं, तो आपका टॉयलेट पाइप द्वारा बाहर आ जाएगा और गंद ज़्यादा मारेगा। इसलिए हमको क्या करना है कि इसमें आपका 1.5 फीट या 2 फीट आपको लटकाना होता है। आप अपने हिसाब से लटका सकते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने 1.5 फीट लटकाए हुए हैं, जैसे देख रहे हैं ऐसे हम इसको लटका देते हैं। तो इसको सीधा बेल्ट को रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमारा यहाँ पे पानी इसका जो आएगा, जो सेफ्टी टैंक हमारा जब इस्तेमाल होगा यूज होगा तो जब भरेगा तो यहाँ तक पानी आएगा। पानी के साथ में क्या होता है कि जब कुछ दिन होता है तो कचरा दो जम जाता है, जो 4 इंची 5 इंची मोटा उस पर कचरा जम जाएगा। तो पाइप अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो कचरा पाइप में आपका नहीं आएगा, सिर्फ पानी ही आपका आउट में पास करेगा। ये जो आपका तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ये आउटलेट निकल चुका है, ये आउटलेट क्लियर हो चुका है। अब जैसे आपका इसका एयर पाइप, जो टंकी का एयर पाइप निकलता है जिससे हवा भी निकलता है, हम लोग गैस पाइप भी बोलते हैं, ये हमारा ये आपका हो गया टंकी, यहाँ तक आपका टंकी लाइन है। तो यहाँ से हम एयर पाइप डालेंगे जिससे गैस पाइप भी गैस निकलेगा टंकी का। ये आपका पाइप तैयार हो चुका है, ये आपका गैस पाइप हो गया। और बाद में जो 2 मंजिल पे जो फर्स्ट फ्लोर पे सीट बैठेगा उसका भी कनेक्शन इसी पाइप में जोड़ा जाएगा। और इस पाइप जो हमारे टंकी में डाले हुए हैं इससे 6 इंची डाउन में हमारा ये आउटलेट हम निकाले हुए हैं। और ये आपका बाथरूम का लाइन है, ये आपका वाश बेसिन का कनेक्शन है इसमें। आए जो हम एक ही पाइप में लाइन जोड़े हुए हैं, अंदर में हम नियानी टेप लगाए हुए हैं जिससे आपका गंद बाथरूम में नहीं आएगा। और ये हमारा SWR का फुल फिटिंग हो चुका है, हमारा क्लियर हो गया काम। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना।